Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. And today we are going to start a video about LNIP online entrance exam 2020 and 21. So, आप सभी को पता होगा कि इसके लिए मैं अभी लाइव आया था रिसेंटली, तो आपको पता होगा ये ऑनलाइन हो रहा है 2020-21 का, और उसके लिए जो गाइडलाइंस आई है कैसे एग्ज़ाम होगा आप सभी को पता लगने वाला है। जितने भी आपके चाहे बीपीएड के लिए हो, चाहे आप एमपीएड के लिए हो, चाहे आप पीजीडीएससी के लिए हो, या आप पीजीडीएसएम के लिए हो, या आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो एलएनआईपी से, तो ये सभी आज के इंस्ट्रक्शंस जितने भी मैं देने वाला हूँ सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एलएनआईपी के जो गाइडलाइंस आई हैं। सो सबसे पहला जो पार्ट ए दे रखा है इसमें, तो पार्ट ए में आपको दे रखा है कि जो जनरल गाइडलाइंस है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आपको ये सब आपको देखने हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है कि एज ए रजिस्ट्रेटेड पार्टिसिपेशन, जिन्होंने भी रजिस्टर कर रखा है या फिर जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है, वो आपके घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है, आपके कंफर्टेबल ज्वाइन जो भी है, या तो आप घर से या साइबर कैफे से कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल करें फॉर, और ये किस लिए है आपको कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में, इसलिए, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर और लैपटॉप लें, और साथ में ही वहां पर आपका क्या होना चाहिए, एक माउस भी होना चाहिए। माउस का बिकॉज टच पैड को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए आप माउस का इस्तेमाल करें। और गुड एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, और पावर बैंक वापस आपका बैकअप होना चाहिए, या तो आपके पास कोई भी इन्वर्टर हो, या फिर इन केस ऑफ पावर फेलियर, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा अगर आपका पावर फेल हो गया है तो कैसे आपको उससे निकलना है बाहर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ये आपका है, एग्ज़ाम स्टार्ट कितने बजे होगा, शिफ्ट वन का एग्ज़ाम होगा 10 बजे, शिफ्ट टू का होगा 1 बजे, और शिफ्ट थ्री में आपका होगा 4 बजे एग्ज़ाम। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, सभी को बता दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर कि किसका कितने बजे एग्ज़ाम है, लिंक शेयर कर दी जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है वी रिक्वेस्ट टू लॉग इन 15 मिनट्स, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपको लॉग इन करना है, और आप सभी को रीड करने इंस्ट्रक्शंस जो दे रखे हैं केयरफुली फिर एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद में ये फोर्थ गाइडलाइन आपकी दे रखी है कि एट द टाइम, मतलब जितना भी आपका एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम द एग्ज़ाम विल गॉट ऑटो सबमिटेड, आपको सबमिट करने की, अगर मान लो आप फेल हो गए सबमिट के बटन पे दबाने से, सो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा एग्ज़ाम, तो ये बहुत अच्छी बात है कईयों का, क्योंकि टाइम चले जाता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में ही। नेक्स्ट आपका है द क्वेश्चन विल बी इन मल्टीपल फॉर्मेट, आपको पता होगा एमसीक्यू आएंगे, 4 आपके ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर मैंने इतनी बार बताया आपको, ठीक है। और जो अटैम्प्ट नहीं किया है या फिर आपने जो गलत किया है तो उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम, अगर देखिए ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6th वाला आपको अच्छे से पढ़ना है, ये गाइडलाइंस मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मोनू मधुकर सर्च करना है, और देन यू विल फाइंड दिस पीडीएफ। सो सबसे पहले बात तो है कि जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन गेट इंटरप्टेड, अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, चले जाता है कहीं इंटरनेट, तो आपकी विंडो वहीं क्लोज हो जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम विंडो विल क्लोज, और उसी के साथ साथ में आप किसी भी नेक्स्ट मूव नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और टाइमर वहीं स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका दोबारा से कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी, तब आपको दोबारा आप कंटिन्यू कर पाएंगे आपके उसी क्वेश्चन से और उसी टाइमिंग से। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे कि इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड 10 मिनट्स, मतलब आपको 10 मिनट हो गए एग्ज़ाम देते हुए, और आप 15वें क्वेश्चन पे हैं, तो आपका जब टाइम यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, तो देखिए आप फिर से लॉगिन जब करेंगे तो आप 15वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, और जो टाइम आपका बचा है बाकी के, ठीक है, 50 मिनट्स, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और एक मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा आपको, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द एग्ज़ाम इज रिमोटली मैनेज एंड हैंस देयर वुड नो असिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपका पता है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये एक तरह से रिमोटली मैनेज किया जा रहा है. सो काइंडली इंश्योर यू हैव ए गुड इंटरनेट, ठीक है, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, यूपीएस या फिर लैपटॉप बैटरी इन चार्ज इनफ टू लास्ट द 16 or 90 minutes, ठीक है. प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल योर डेस्कटॉप नोटिफिकेशन आर टर्नड ऑफ सो दैट यू डू नॉट गेट लॉग्ड आउट. उसके बाद में देयर विल बी नो सेकेंड चांस प्रोवाइडेड. आपने एक बार एग्जाम दे दिया, उसके बाद सेकेंड चांस कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको. सो एट्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख सकते हैं डार्क में यहाँ पर दे रखा है, वंस यू क्लिक ऑन सेव और नेक्स्ट बटन, आपको यहाँ पर जैसे ही एक क्वेश्चन मिलेगा उस पर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा सेव करके. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नॉट एबल टू चेंज और एडिट. एक बार आपने मतलब सेव कर दिया उसको क्वेश्चन को और नेक्स्ट पे बढ़ गए तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा एक बार सेव हो गया या फिर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हो गया तो भी, ठीक है. आपने अनअटेम्प्ट किया है उसको तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. एक बार एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया देन वो निकल गया समझ लो. सो यू कैन ओनली रिविजिट अर्लियर क्वेश्चन, मतलब कि जो आपने क्वेश्चन मतलब कर रखा है उस पर आप रिविजिट कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको अलाउड नहीं है कि आप एडिट कर दें उसको या फिर चेंज कर दें, ठीक है. आप देख सकते हैं आपने कौन से पे क्लिक किया है बाद में, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज कि पार्ट बी है आपका स्क्रीन बाय स्क्रीन. यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपका स्क्रीन बाय स्क्रीन गाइडलाइंस दे रखी है यहाँ पर. तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, आपको एंटर करना है जो प्रोवाइड करा रखा है आपको वेब ब्राउज़र का लिंक, और इन्होंने रिकमेंड करा है गूगल क्रोम का ही आप यूज़ करें फॉर बेटर, ठीक है. और नेक्स्ट आपका दे रखा है 100% आपका जूम होना चाहिए उसमें, ठीक है, ब्राउज़र जूम होना चाहिए 100%, कोई और टैब नहीं खुला होना चाहिए. नेक्स्ट आपका है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो आपको ईमेल आईडी पे शेयर करेंगे लॉगिन करना है आपको. लॉगिन इन योर रोल नंबर प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, ठीक है, और आपके पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका पहले डेट डालनी है फिर मंथ डालना फिर ईयर डालना है फॉर्मेट में, ठीक है. और एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है, 14 और 15, ठीक है, ये अवेलेबल रहेंगे. नेक्स्ट आपका है कि नोट, एक नोट आपको दे रखा है ये, फॉर मॉक टेस्ट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इश्यूड, ठीक है. ये सभी को पता होगा कि एडमिट कार्ड मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट आपका जस्ट एक जनरल आपका डेमो है एक तरह से कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं. सो उसके लिए कोई एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होगा, विच यू कैन सी एंड प्रिंटेड ऑन योर MPA ऑनलाइन, ठीक है. सो यहाँ पर आपने देख रखा होगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन हो जाएगा जो आपका मॉक टेस्ट होगा. सो उसमें आप देख सकते हैं जो आपने प्रिंट करवाया MPA ऑनलाइन से, जो आपके रिसिप्ट मिली थी मैंने बोला था आपको, वो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या डालना है, आपका यूज़र नेम डालना है, ठीक है, आपका और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है. नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि LNIP का जो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है यहाँ पर, ऑन ए सक्सेसफुली लॉगिन. अगर आपने जब लॉगिन कर लिया है तो सो ऐसी यहाँ पर कुछ आपकी स्क्रीन होगी. सो उस स्क्रीन पे आपको यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अंडर ऑनलाइन एग्जाम. सो यहाँ पर आप लॉन्च पे क्लिक करना है. जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे सो आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है. नेक्स्ट आपका है सो अगर आपका वेब ब्राउज़र आपको पॉपअप्स दिखा रहा है कि तो आपको पॉपअप्स ब्लॉकर यूज़ करना है, और उसमें आपको एक तरह से जो बीच वाला है मिडल वाला जिसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज पॉप अप्स, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है और डन बटन पे दबा के आपको वंस अगेन दोबारा से लॉन्च पे क्लिक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट आपका है प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और फिर आपको टिक करना है. यहाँ पर लिख रखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन, वहाँ पर टिक करना है आपको ऐसे बॉक्स में, और बस आपका फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा. फिर ये देखिए आपको कैसे स्टार्ट होगा एग्ज़ाम. सो ऐसा कुछ एग्ज़ाम आपके सामने ये इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा. सो इसमें देखिए ये क्वेश्चन होगा आपका,
ये देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। अब यहाँ पर सामवेद, अथर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको एक तरह से, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आंसर देना है अपना। सो यहाँ पर आपका टाइम चलता होगा, ठीक है, टाइम चलेगा यहाँ पर आपका, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर ये प्रीवियस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके बैक तो जा सकते हैं, बट यू कांट चेंज और एडिट एनीथिंग। उसके बाद में ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको आप, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये आपके काम नहीं करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स ये काम नहीं करेंगे। ये बेसिकली क्या होते हैं कि आप इन पे टच करके और क्लिक करके छोड़ सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप बाद में चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये नेट वगैरह के एग्ज़ाम में, बाकी सब में होता है, नेट के एग्ज़ाम या फिर बाकी ऑनलाइन कोई भी एग्ज़ाम होता है, सब में अलाउड होता है, बट यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप घर पर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ए आपका जो लिखा हुआ है, ए मतलब ये ए, ये आपका टाइम लेफ्ट है। सो बी आपका आंसरिंग ए क्वेश्चन, उसके बाद में ये कुछ चार इंस्ट्रक्शंस हैं कि ईच क्वेश्चन विल बी हैव फोर ऑप्शंस, तो आप सभी को पता होगा। और टू चेंज योर चूजन ऑप्शन क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ एनी अदर, ठीक है, क्लिक ऑन क्लियर रिस्पॉन्स, टू क्लिक ऑन सेव नेक्स्ट बटन, ठीक है, ये सारे आपके ये चारों ऑप्शंस के यहाँ पर दे रखे हैं नाम। नेक्स्ट आपका है सेव नेक्स्ट, यू शुड क्लिक ऑन सेव नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन, आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक जरूर करना है आंसर देने के बाद। नेक्स्ट आपका है यू कैन गो बैक अर्लियर क्वेश्चन बट कैन नॉट एडिट चेंज, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट आपका सबमिट, आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन यू शुड क्लिक ऑन सबमिट बटन, उसके बाद में आपको देख रहे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन क्लिकिंग सबमिट समरी स्क्रीन विल अपीयर शोइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, लास्ट में आपको दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे। उसके बाद में लास्ट ये थर्ड है कि प्लीज़ क्लिक ऑन येस ओके टू प्रोसीड, ठीक है, वहाँ पर ओके टू प्रोसीड दिखाना है क्योंकि सारे ही अटेम्प्ट करना, माइनस मार्किंग तो है नहीं। सो मेरी तरफ से मैं सारे ही अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगा आपको। फोर्थ का है कि इफ़ you do not click on submit button at the end of total duration exam, the exam will be auto submitted, ये मैंने बताया था आपको कि खुद से ही submit हो जाएगा। अब कुछ important notice है जो मैंने बताया आपको, do not click on mark for review and next, ठीक है, ये नीचे जो response दे रखा है clear response, ये दोनों देखिए ऐसे आपका question के नीचे ये option भी आ रहे होंगे, तो इन पर click करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों option बस ऐसे ही दे रखे हैं। यहाँ पर आपका मेन काम है ये प्रीवियस आप चेक कर सकते हैं, और सेव नेक्स्ट ये आपका है, और फाइनल में आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेड में दे रखा है क्योंकि ये काम नहीं करेंगे दोनों, क्लियर रिस्पॉन्स और ये प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस बटन, दीज बटन्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। टू इंश्योर फेयरनेस द कीबोर्ड विल बी डिसेबल वंस यू इनसाइड द लॉगिन पेज। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कीबोर्ड जो है वो आपका डिसेबल हो जाएगा एक बार जब आप लॉगिन करेंगे पेज में, तो ठीक है। और एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन ये आपको देखना चाहिए कि यू शुड ओनली यूज कंप्यूटर माउस टू नेविगेट थ्रू द स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट आंसर जो भी करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपने एक्सीडेंटली कीबोर्ड को टच कर दिया सो आपको एक विंडो शो होगी, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखी है वार्निंग वाली, 10 सेकेंड्स उसका टाइमर चलेगा, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया ओके तो आपका एग्ज़ाम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने उसको ओके नहीं करा उस स्क्रीन को सो आपका एग्ज़ाम, ठीक है, चला जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। अब 3 एक्सीडेंटली इंटरप्ट आपका इंटरप्शन दे रखे होंगे और वो 3 में ही आपको करना होगा, 3 के बाद में आपको कोई नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे और तीसरे चांस के बाद चौथा कोई चांस नहीं दिया जाएगा, और चौथा चांस आपको मिलेगा नहीं, आप दोबारा से नहीं दे पाएंगे, आपका जो है टर्न ऑफ हो जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जितने भी आपके टर्न ऑफ करना है आपको नोटिफिकेशन जितनी भी आएगी डेस्कटॉप में, आपका जो भी कोई भी डिस्टर्बेंस है सब आपको
ठीक है, ये आपको दे रखे हैं, आपको मैंने बताया है तीन चांस दिए जाएंगे, तीन बार ऐसी स्क्रीन आएगी आपको, ठीक है, अगर आपने गलती से कीबोर्ड दबा दिया है तो यहाँ पर ये ओके का बटन है, इस पर क्लिक कर दो, दोबारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बार भी हो गया गलती से तो ओके का बटन दबा दो, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर तीसरी बार हो गया तो तीन ही चांस दिए जाएंगे, उसके बाद बियॉन्ड विच यू लूज द चांस टू कंटिन्यू द एग्जाम। सो वहाँ पे आपका इन सच ए केस एग्जाम विल एंड एंड यू विल नॉट एबल टू सी, मतलब री अटेम्प्ट द, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो ये था एक इंस्ट्रक्शंस का वीडियो, सो हमने सभी देख लिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम होल LNIP फैमिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी आए, नए बैच को हम देखें और नए बैच का हम स्वागत करेंगे। सो अच्छे से एग्ज़ाम देना, ऑल द वेरी बेस्ट, और तैयारी करके रखें, मॉक टेस्ट कल देना सभी लोग, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मोनू मधुकर और वहाँ पर आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। सो वी विल सी इन अनदर वीडियो एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।